ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप इस वाली क्लिप पे नजर डालो। सो गाइस, अभी जो आप सभी ने क्लिप देखी उसमें आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की जो हमारी वीडियो है वो किस टॉपिक पे होने वाली है। सो ये जो गाइस मैंने अभी आपको क्लिप दिखाई, इसमें जो गाइस मेरे एवरेज जो व्यूज थे, मतलब मेरी कोई भी वीडियो अभी मिलियन में नहीं पहुंची, बट गाइस जो भी है मतलब मेरे को अभी मेरे लिए ठीक ठाक है व्यूज। मतलब मैं ऐसे जो मतलब ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ, मैं अगर इसको और अच्छे तरीके से फॉलो करूंगा, मतलब कि अभी तो मैं करने वाला हूँ उन सभी फॉलो, अब मैं इन चीज़ों को मतलब एकदम अच्छे से करूंगा तो गाइस शायद मे बी मतलब मिलियन तक जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट अभी मतलब की में चल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मिलियन में भी बहुत जल्द पहुंचेगा। बट अभी हम पहले आपको बताऊंगा कि गाइस आपको मतलब कौन सी टिप्स में मतलब मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, जो मतलब मेरी वीडियोस अचानक से इतनी मतलब गेन होने लगी, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है? तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। बाकी अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, टिप नंबर वन जो है हमारी, इसमें गाइस आप सभी को करना है क्या, देखो मैं पहले आपको अपना मतलब एक्सपीरियंस बता देता हूँ। तो मतलब जो हमारा टिप नंबर वन है, इसमें गाइस कि आपको करना है मतलब कि एक साउंड पे, यानी कि एक साउंड पे आपको जो भी ट्रेंडिंग साउंड जो है आपको पहले फाइंड कर लेना आपको इंस्टाग्राम पे, ठीक है? आपको देखना है कि ट्रेंड कौन सा ज़्यादा चल रहा है, और अगर आपको नहीं पता है कि कैसे फाइंड करते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रखा है मैंने, उसमें मैंने प्रॉपर समझा रखा है कि आप कैसे ढूंढ सकते हो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो आप देखना उस वीडियो को। तो मतलब आपको इसमें करना क्या है, अब देखो गाइस आप कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक है, अब उसमें यार हर किसी की वीडियो तो वायरल होने के चांसेस इतने नहीं है, बट गाइस वायरल होने के चांसेस कब बढ़ते हैं, अगर आप उसी ट्रेंड के ऊपर दो या तीन वीडियोस बनाते हो, यानी कि अगर मतलब आपको ना एक ऐसा काम करना है, यानी कि कम से कम भी नहीं तो आपको चार वीडियोस अपलोड करनी है। और मैं आपको यूँ नहीं कह रहा हूँ कि आपको एकदम सीक्वेंस वाइज अपलोड करना है, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कोई भी ट्रेंडिंग सॉन्ग होता है उसका ट्रेंड जो है मतलब कम से कम महीने भर तो चलता है, ठीक है? तो महीने भर में आपको जो है कम से कम नहीं तो चार वीडियोस तो आप डाल ही सकते हो, मतलब कि आपको यहाँ पे ना जब आप चार वीडियोस डाल दोगे उसमें, मतलब कि आपकी वीडियोस जो है उस सॉन्ग पे आ जाएगी, तो मतलब उसमें जो वीडियोस वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपकी उसमें एक वीडियो होगी ना सिर्फ उस ट्रेंड में, तो मतलब आपकी एक वीडियो मतलब वायरल होने के इतने ज़्यादा चांसेस नहीं बढ़ेंगे, मतलब कि कोई मतलब इतने ज़्यादा लोगों तक नहीं जाएगी, क्योंकि उस ट्रेंड पे पहले ही लोग काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, मतलब कि इंस्टाग्राम के मतलब यूजर अभी के टाइम में बहुत ही ज़्यादा है, तो बहुत सारे लोग जो है उस ट्रेंड के ऊपर वीडियोस बना रहे होंगे, तो मतलब इंस्टाग्राम जो है उनकी वीडियोस को रीच देगा, यानी कि मतलब जिनके ज़्यादा फॉलोवर्स होंगे इंस्टाग्राम पे उनकी वीडियोस पे ज़्यादा इंप्रेशन मिलता है, क्योंकि उनके पास फॉलोवर्स ज़्यादा ही हैं, तो लोग मतलब उनके जो फॉलोवर्स हैं वो वीडियो को देखने के लिए बैठे रहते हैं, तो मतलब उनको जो है मतलब अच्छी खासी रीच मिल जाएगी, उनकी वीडियो वायरल हो जाएगी अगर वो एक वीडियो भी डालेंगे तो। बट अभी जो छोटे क्रिएटर हैं उनकी वीडियोज़ वायरल होने के जो चांसेस हैं, जब तक वो तीन से चार वीडियोज़ नहीं डालेंगे उस ट्रेंड पर, जब तक उनकी वीडियोज़ वायरल होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर आपको ट्रेंडिंग टॉपिक मिलता है आपको फाइंड कर लेना है, आपको उसके ऊपर मतलब कि जैसे कि मतलब एक हफ्ते में आपने एक वीडियो डाली उस ट्रेंड के ऊपर, एंड उसके बाद नेक्स्ट वीक आपने डाली है, फिर दो दिन छोड़ के तीन दिन छोड़ के मतलब आपको डालनी है, ठीक है? और बीच में कोशिश करना कि कोई आप अदर तो मतलब कोई अदर ट्रेंड के ऊपर आप वीडियो बनाओ, मतलब आपको ट्रेंड को तो लेके चलना है साथ में, लेकिन आपको जो है सीक्वेंस वाइज अपलोड नहीं करना है, यानी कि एक ट्रेंड पर आपको चारों वीडियो एक साथ अपलोड नहीं करनी है कि आज एक कर दी कल कर दी परसों, ऐसे नहीं करना है आपको। जैसे आपने एक ट्रेंड का आज डाली तो दूसरे ट्रेंड पे आपको वाली वीडियो डालनी है, ठीक है? फिर उसके बाद आप चाहो तो जो आपने पिछले ट्रेंड पे जो डाली है आप उसको डाल सकते हो। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, एंड आपको इसमें कोशिश करना है कि वीडियो जो है आपकी मतलब कि किसी के पास भी जाए तो मतलब वो वीडियो को लाइक करे ही करे, मतलब आप कोशिश करना, एंड मेरे ख्याल से तो पहले आप उसको ना शेयर कर लेना अपने मतलब कि जो भी है आपके जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे उनको शेयर कर रहा उनको, और उनको बोलना कि उसकी स्टोरी डालें। टिप नंबर टू, इसमें गाइज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपने कोई वीडियो क्रिएट किया है, ठीक है, मान लो आपने कोई वीडियो क्रिएट किया है और मतलब आपको, या फिर आप ये मान लो कि आपके पास कोई ट्रेंड आया है, किसी वीडियो का ट्रेंड आया है और आपने उस वीडियो को आपने उसको पूरा देखा है, ठीक है, और मतलब आपने ना उसमें कुछ सीखने के लिए जो है मतलब आपको मतलब मान लो ट्रेंड आया जो आपके पास, उसमें आपको उस ट्रेंड के ऊपर वीडियो बनाना है, तो आप उस टाइम पे क्या करोगे, आप उस वीडियो का पूरा देखोगे, तो एक बार में जब देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि इसमें मतलब इसने किया क्या है जो मतलब मैं भी करूंगा इसमें, है ना? तो पहले आप उस वीडियो को पूरा देखोगे, एक बार में समझ नहीं आएगा आपको, फिर आप दूसरी बार इसको वीडियो को देखोगे, ठीक है, सेम टाइम में मतलब आप कम से कम उसे चार पांच बार देख लोगे, क्योंकि गाइस आपको उस ट्रेंड के ऊपर वीडियो बनाना है, तो आप समझ रहे हो यहाँ पे कि मतलब आपको वीडियो ऐसे बनानी है कि अगर वो किसी भी मतलब किसी भी यूजर के पास अगर वो वीडियो जाती है तो वीडियो को कम से कम दो से तीन बार देखें, मतलब आपको वीडियो में ना मतलब एक मतलब मान लो अगर आप एक्शन वीडियोस बनाते हो तो उस टाइम पे आपको क्या करना है कि आपके वीडियो में एक ऐसा एक्शन सीन होना चाहिए, यानी कि ऐसा एक्शन सीन होना चाहिए कि मतलब वो ना थोड़ा आए और जल्दी से चले जाए, यानी कि मतलब लोगों को समझ भी आ जाए और वो जो सीन है ना वो मतलब कि ऐसा इंटरेस्टिंग सा होना चाहिए कि लोग उसको दोबारा देखने के लिए मतलब ऊपर करके फिर दोबारा से उसको देखें। तो आपको मतलब आपकी वीडियो में एक ऐसा सीन मतलब क्रिएट करना है आपको, मतलब आपने कई वीडियोज़ देखी होंगी जिनमें कि लोग क्या करते हैं
कि कुछ मतलब अपनी स्क्रीन पे कुछ ऐसा गोल सा कुछ लगा देते हैं और कहते हैं कि इसमें एक बच्चे का चेहरा हुआ, इसको आपको ढूंढ के बताओ और जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। तो गाइस मैंने भी मतलब ऐसे से मतलब मैं भी फंस जाता हूँ कभी कभार, ऐसी कोई वीडियो आती है तो मैं कहता हूँ यार क्या था इसमें, मैं भी देखना चाहता हूँ, तो मैं इसको 2-3 बार देख लेता हूँ। तो गाइस ये मतलब कि ना लोगों का पता है कि ऐसे अगर कोई लोग मतलब सब्सक्राइबर अगर ऐसे 2-3 बार देखेंगे ना, तो इससे क्या है कि उनकी वीडियो का जो इंप्रेशन जो है और ज़्यादा ऊपर की तरफ जाएगा, यानी कि लोग उसको ज़्यादा देर तक देख रहे हैं, तो जो मतलब कि जो भी प्लेटफॉर्म पर आपने अपलोड किया होगा उसका एल्गोरिथम ये देखता है कि आपकी वीडियो में ऐसा क्या खास है कि लोग जो इतनी देर तक रुक रहे हैं, और अगर लोग रुक रहे हैं तो गाइस वो जो एल्गोरिथम है उनकी वीडियोस को और ज़्यादा इंप्रेशन देता है और लोगों तक भेजता है। और यानी कि इसमें सेम चीज़ है, मतलब जो पहले यूज़र के साथ है वो दूसरे यूज़र के वो भी देखेगा कि इसमें ऐसा क्या था कि भाई मतलब मेरे को भी देखना, मैं भी कमेंट करूँगा। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग कमेंट जाकर पढ़ने लग जाते हैं और वीडियो अपने आप ही 2-3 बार मतलब कि चल रही है, वीडियो 2-3 बार प्ले हो जा रही है और लोग कमेंट पढ़ने में लगे हैं कि क्या था इसके अंदर, है ना। तो मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए आपकी वीडियो में कि जो लोग जो है 2-3 बार उस वीडियो को वॉच करें। 3 इसमें गाइस आप लोगों को क्या करना है कि आपको जो टाइम है यानी कि आप जो भी वीडियोस अपलोड करते हो उसका एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम बना लो। यानी कि जैसे कि आपको पता है कि मतलब मेरे जो अगर आप पुराने सब्सक्राइबर तो आपको पता होगा कि मेरी जो वीडियो है हमेशा मॉर्निंग में 8 बजे अपलोड हो जाती है। तो मतलब ऐसे टाइम में क्या है कि मेरे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर जो है इस टाइम को मतलब कि वो वेट करते हैं कि हाँ भाई करण भाई की वीडियो आएगी तो हम इस वीडियो को देखेंगे। तो मतलब मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर जो है वो मतलब मेरी वीडियो उस टाइम देख लेते हैं। मैं मतलब मेरी प्राइमियर में चल रही होती है वीडियो तो मुझे पता चल जाता है कि मतलब कि वहाँ पे लोग होते हैं वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है। और सेम कमेंट मैं रोज पढ़ता हूँ, मतलब कि जो मेरे मतलब कि परमानेंट सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट भी करते हैं, मैं उनकी कमेंट भी रीड करता हूँ, तो मुझे पता है कि मतलब कि मेरे सब्सक्राइबर जो इस टाइम वेट करते हैं। और कभी कभार जब मैं इस टाइम वीडियो अपलोड नहीं होती है तो मेरे सब्सक्राइबर मेरे को मैसेज करते हैं व्हाट्सअप पे कह रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे मेरे को DM आने स्टार्ट हो जाते हैं कि भाई आपकी आज वीडियो क्यों नहीं आई। तो उस टाइम में ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोस अपलोड नहीं करता हूँ, उससे 1-2 घंटे बाद मैं अपलोड कर देता हूँ अगर किसी चीज़ से अगर डिले हो जाता है। तो आप लोगों को भी यही चीज़ करनी है कि आपका जो एक फिक्स टाइम होना चाहिए जिससे कि आपके फॉलोवर्स सब्सक्राइबर्स जो भी हैं जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप वीडियोस डालते हो उनको ये पता चल जाना चाहिए कि आपकी वीडियो इस टाइम पे आती है और हम इस टाइम पे वीडियो देखने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। तो आप लोगों को मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम सेलेक्ट कर लेना है कि किस टाइम पे आपको वीडियोस डालनी है। और अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है कि हम किस टाइम पे वीडियोस डालें तो आपका वो इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम खुद बता देगा कि आपको किस टाइम पे वीडियोस अपलोड करनी है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे मतलब वो चीज़ देखते हैं कि टाइम हमें किस हमारा बेस्ट टाइम क्या अपलोड वीडियो अपलोड करने का, तो आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में एक वीडियो का लिंक मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर वॉच करना। आपको उसमें मैंने डिटेल में समझा रखा है कि आप कैसे चेक कर सकते हैं आपका बेस्ट टाइम कौन सा वीडियो अपलोड करने का। तो गाइस आई होप कि यार आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी, तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी चलिए गाइस मिलता हूँ सभी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।